नहीं सकता ये, मेरा फोन गिरा दिया। अंधे हो, नजर नहीं आता, खेलना तो देख के खेलो ना, देख कर नहीं चल सकते? खेल रहे हो, कूद रहे हो, क्या कर रहे हो, चीजें तोड़ रहे हो लोगों की, पागल हो गए हो? इतना महंगा फोन मिला, कैमरा भी ढूंढ के कितने खराश आ गए, सब देख रहे तो क्या यार, इतना महंगा फोन है मेरा। चेहरे की क्या गलती है, लोग देख रहे हैं। क्या गलती है का क्या मतलब है, देख के खेलना चाहिए ना, ऐसे कैसे अंधों की तरह खेल रहा है। अच्छा चलो मैं तुम्हें नहीं ले दूंगा, आओ चाय पी, आ जाओ आ जाओ। इडियट, प्लीज माहीन, अब तो 4 घंटे हो गए हैं शाम से, तुम्हारा मूड क्यों नहीं ठीक हो रहा? अच्छा चलो मुझे बताओ तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा, मैं ट्राई करता हूँ। मेरी वजह से तो नहीं ऑफ? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा मूड क्यों ऑफ। अरे इस बात का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है, तुम सीधा सीधा बता। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हैप्पी? नहीं, कान पकड़ के खड़ा हो जाऊं मैं? खबरदार, ये बच्चों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ये बताओ कि जब तुम घर में नाराज होती हो तो तुम्हें कौन मनाता है, बाबा, मामा या कोई और? बाबा। माहीन बेटा बस करो ना मेरी जान, बस का है ना, हो जाएगा ना, बस बाबा रोना नहीं हो बस। जब मैं नाराज होती हूँ या मेरा मूड ऑफ होता है तो बाबा मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाते हैं, फैंसी सा डिनर कराते हैं, अच्छी सी मूवी दिखाते हैं, पॉपकॉर्न दिलाते हैं। जब तक मैं मान नहीं जाती ना तब तक मनाते रहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉन्ग ड्राइव हमने कर ली, डिनर हमने बहुत मजे से किया, पीछे क्या रह गया, मूवी। मूवी दिखाने लेके जाता हूँ ना तुम्हें, पॉपकॉर्न, कैरेमल सॉल्टेड, जो तुम्हारा दिल करे तुम्हें लेके दूंगा, है ना, है ना? तुम्हारे बाबा भी यही करते हैं ना? तुम मेरे बाबा नहीं हो। आपको पता है जब जारा नाराज होती है ना अपने बाबा से तो वो उसको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते हैं, मूवी दिखाने लेकर जाते हैं, फैंसी से डिनर कराते हैं, और आप हमेशा बस वाकई से काम चलाते हैं। क्या करते थे तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा का प्रेस है, लाखों में कमाते हैं मेरे बाबा। ये जारा का बाप करता क्या है? प्रेस है उनका, लाखों में कमाते हैं। हमारी तरह नहीं कि हफ्ते में एक दफा गोश्त बना, वो भी गिनती की बोटियां। बेटा सियाने कहते हैं कि कबूतर बा कबूतर, बास बा बास, यानी दोस्ती जो है ना बेटा वो अपने जैसों से करनी चाहिए। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। नहीं, मुझे आज कोई जरूरी बात नहीं। अरे लेकिन एक सेकंड यहीं रहना, मैं अभी आया, हिलना मत, मैं आया। एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए सुहेल, मेरा नाम जोकर। अच्छा जोकर जी, छोटा सा मसला हो गया और मुझे यकीन है कि आपके अलावा ये कोई सॉल्व नहीं कर सकता। मैं आपका मसला कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? अरे सर आप ही सॉल्व कर सकते हैं,
वो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, मान नहीं रही। आप तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं, अरे आपका तो काम ही है खुशियां बांटना। बात सुनो, अगर आप एक दफा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले ना, बस ये चाहते। इतनी आसानी से थोड़ी मानने वाली। सुहेल, सुहेल नहीं उखड़ता, उसकी तुम टेंशन मत लो। अरे कर लेंगे ना सर, प्लीज प्लीज मान जाइए सर। चलो परफेक्ट, मैं उधर वेट करूंगा आपका, ठीक है? आ जाओ। अच्छा जब वो आने वाले हैं तो बात करो। तुम्हारी घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है। तुम्हारे से बेहतर नहीं है। बस बस, ज्यादा पट्टियां बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा प्लीज। 10 बज गए, अभी तक घर नहीं आई है। अरे आ जाएगी भाई, अभी आ जाएगी। वक्त बहुत खराब चल रहा है जमील। अरे मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है। अपनी घड़ी उसको दे दी। तुम्हारी मुस्कुराहट से बढ़कर थी क्या? नहीं, ना सलाम ना दुआ। सलाम अलैकुम। ये लाई कब से गई हुई है? एक घंटा हो गया है। अच्छा सुनो, तुम्हें ज़ारा छोड़ के गई है? हाँ।
तुमने उसको इतनी कीमती घड़ी क्यों दे दी? तुम्हारी मुस्कुराहट से बढ़कर की क्या? जमात में फेल हो गई थी, क्या मैं शर्मिंदा हुआ था? क्या मैंने तेरी उस्तानी से जाके कहा था कि तू मेरी बेटी नहीं है? अगर मैं जारा के वालिद से ज्यादा मालदार नहीं हूं, पैसे की दौड़ में पीछे रह गया हो, तो क्या तू मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर देगी? एक एतमाद ही तो बचा था मेरे पास, वही तुझे दिया था, लेकिन मैं समझता हूं मेरी जान, बाप तेरा एक बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन औलाद की क्या हद है? Thank you.